सर मैं बासठी स्वराज जी हमारे लीगल सेल के को कन्वीनर कबीर भाई मीडिया के हमारे प्रमुख श्रीमान प्रवीण जी उपस्थित सभी मित्रों को मैं छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रवीण जी ने कहा दो थप्पड़ पड़ेंगे, एक दिल्ली के खजाने को और दूसरा आपको हमको या दिल्ली के आम कंज्यूमर को जो बिजली का बिल देता है। मेरा मानना यह है कि वो दोनों थप्पड़ हमें ही पड़ना है, उस कंज्यूमर को ही पड़ने हैं तो दिल्ली में ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा है। बिजली आपूर्ति में लगी पावर डिस्कॉम BSES MPYAL और तीसरा है NDPL, तीन कंपनियां काम कर रही, तीनों कंपनी पावर डिस्कॉम का शेयर 51% है, दिल्ली सरकार का 49%, लेकिन इन लोगों ने मिलकर दिल्ली को बिजली आपूर्ति के नाम पर लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया, पावर डिस्कॉम को दिवालिया पर लगा के खड़ा कर दिया। BSES और BPYL में भारी धांधली और आर्थिक अनियमितता का खेल चल रहा है। कैसे चल रहा है उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। तीन कंपनियों का हमने नाम लिया, इसमें NDPL फायदे में जाती है, तीनों कंपनियां एक ही जगह से बिजली खरीदती हैं, तीनों कंपनियां ट्रांसको के माध्यम से उन तारों के माध्यम से दिल्ली में बिजली देती हैं, लेकिन एक कंपनी फायदा दिखाती है और सालाना लाभ दिल्ली की सरकार को देती है, लेकिन ये दो कंपनियां खेल खेल, ये दो कंपनियां घाटा दिखाती हैं और उस घाटे के पीछे का कारण है दिल्ली सरकार को मिलने वाला किकबैक, जो शराब नीति में था, जो स्वास्थ्य घोटाले में था, जो शिक्षा घोटाले में था, जो शीश में था, वो किकबैक जो इन नेताओं की जेब गरम करता है, वो किकबैक जो इनकी अय्याशी के सामान को मुहैया कराता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दो घाटे पे कैसे चलते हैं। कंपनियां जो बिजली लेती हैं वो छह कंपनीज हैं जिनसे ये बिजली लेती हैं, ये नोट करने की बात। पहली कंपनी है NTPC, सरकारी कंपनी है, BSES या BPYL या NDPL, ये जितनी भी बिजली इनसे खरीदते हैं इनको पूरा पैसा वापस करते हैं, क्योंकि तो पूरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो बिजली काट ली जाएगी, नियम। दूसरी कंपनी है NHPC, ये भी सरकारी कंपनी है, ये तीनों कंपनियां उनसे भी बिजली खरीदती हैं, उनको भी पूरा पैसा देते हैं जिस भी दर पे लेती हैं, उनको भी पूरा पैसा देती हैं, अगर नहीं देंगे तो बिजली काट ली जाएगी। तीसरी कंपनी PGCIL, ये भी सरकारी कंपनी, इससे भी पूरी बिजली ली जाती है और इसको भी पूरा पैसा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चौथी कंपनी है ससान, SASAN। अब यहां से खेल शुरू होता है। ससान कंपनी है BSES BPYL, ये दोनों कंपनियां उससे लेती हैं, NDPL इससे नहीं लेती, दोनों कंपनियां उससे बिजली खरीदती हैं और ये दोनों कंपनियां उसी का अंग है ससान का। ससान से जितनी बिजली लेती है ये उसको भी पूरा पैसा वापस करती है, मतलब मेरी परचून की दुकान है
मैं अपने घर के लिए आटा दाल सब्जी कुछ खरीदता हूँ तो मैं पहले वो पैसे अपनी दुकान के गल्ले में डालता हूँ, फिर वो पैसा संभाल लेके घर जाता हूँ। ताकि मेरे को तो बताइए इंद्रप्रस्थ IPGC, ये दिल्ली सरकार की कंपनी। अब ये तीनों कंपनी इससे भी पैसा, इससे भी बिजली खरीदती है। लेकिन जब ये इससे बिजली खरीदती है इन्हें पैसा नहीं देती या आधा अधूरा देती। या अगर हम चांदनी चौक के व्यापार की स्थिति में कहें 50% देती है, 50% लगा लेंगे, 50% दे दिया, 50% लगा देंगे। दूसरी कंपनी है प्रगति, प्रगति पावर PPCC, उससे भी ये BCIC और BPYL, उससे भी बिजली खरीदती है, 100 रुपये का सामान लिया 30 रुपये दे दिए, 70 रुपये चुका दें। उन चार कंपनियों को पूरा पैसा, जिसमें ससान भी शामिल है जो उनकी खुद की कंपनी है, या तीन सरकारी कंपनियां जो केंद्र सरकार की हैं, लेकिन ये दो कंपनियां जो दिल्ली सरकार से बिजली पैदा करती हैं, उन दोनों को आधा अधूरा पैसा देके बिजली उठाई जाती है। 10-12 साल से लगातार चल रही है। और अब जब वो पैसा बढ़ते 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 कितने हजार करोड़ का आ गया, तब रेसा 26,000 करोड़ के घाटे पे आ गया। वो जो दोनों कंपनियां हैं उनका घाटा हो गया 26,000 करोड़। जो इशू आज आपके सामने है उसके समक्ष दो महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाली बात है कि जो दिल्ली सरकार की अपनी कंपनियां हैं उनका जो रिकवरी था ओवर द पीरियड हर बढ़ के आप देखेंगे दोनों कंपनियों का मार्कअप एक तरह से 26,000 करोड़ होता है। ये 26,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा है, इसकी रिकवरी के लिए इसके लिए जो भी कठोर से कठोर के इफेक्टिव स्टेप्स जो रिक्वायर्ड थे वो क्यों नहीं उठाए गए। जनता की अदालत में जाने का बड़ा शौक है, आज उनको जनता की चार्ज भी फेस करनी है और इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू है रेगुलेटरी एसेट, जो घाटा कंपनियों का है, अगर कंपनियों का घाटा इस हिसाब से बढ़ा जा रहा था तो उनको इफेक्टिवली एड्रेस क्यों नहीं किया गया। नेक्स्ट कि आज की तारीख में दोनों कंपनियों का घाटा बढ़ के कैसे 21,000 करोड़ हो चुका है। दोनों कंपनियों का बात के देखा जाए तो BRPL का 12,000 के करीब है और BYPL का 8,000 करोड़ के करीब है। ये घाटा इस सीमा तक बढ़ के आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंज्यूमर से रिकवरी होती है, ये घाटा एसेट के तौर पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ने जो अपने घोषणे दावे किए थे करोड़ का बोझ छोड़ के जा रहे हैं और सरकारी कंपनियों का 26,000 करोड़ का जो बकाया राशि है वो आज की तारीख में बाकी है, उसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाया गया।